अरुण साव जी, 400 सीट पार का लक्ष्य आप लोगों ने रखा था, क्या जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उस पे क्या मानते हैं आप? एग्जिट पोल का नतीजा हमारे अनुमानों के नजदीक पहुंचा है, पर जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, जो हमारा अनुमान है एनडीए 400 पार होने वाला है और 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं जी, वोट परसेंटेज का जो अनुमान आप लोगों ने रखा था, क्या लगता है वो परिणाम के अनुरूप बढ़ पाएगा? देखिए, जब परिणाम आएगा तब वो बहुत स्पष्ट होगा, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है आज के एग्जिट पोल के नतीजों से कि अब की बार 400 पार होने ही वाला है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों का लक्ष्य है, कहीं ना कहीं 9 से 11 एग्जिट पोल बता रहे, क्या लग रहा है क्लीन स्वीप होगा या फिर? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप होने वाला है, 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और कांग्रेस का तो 15 से अधिक राज्यों में खाता नहीं खुलने वाला है, छत्तीसगढ़ सहित शून्य में आउट होने वाली है कांग्रेस पार्टी जी। ये थे डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनका कहना है कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला है, जो भाजपा ने लक्ष्य रखा था वो पूरा होने वाला है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। मुझे ये बोलते हुए कि जिस बात को लगातार हम लोग बोलते रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, हमारे पूरे हिंदुस्तान के नतीजों के बारे में, मोदी जी के गारंटी के बारे में, आज वो प्राथमिक दृष्टि से एग्जिट पोल में 100% खरा उतर रहा है। दक्षिण में जिस धमाकेदार बढ़त की ओर भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, मुझे लगता है कि दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ये सभी क्षेत्रों में ये कंटिन्यूअस बढ़त रहेगी। आज ठीक है कि एग्जिट पोल है 4 तारीख के नतीजे में, मगर निश्चित रूप से इसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने सहयोगियों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं। एग्जिट पोल का नतीजा आ गया है, किस तरीके से देख रहे हैं परिणाम, क्या भाजपा के अनुमान के अनुरूप आई है? निश्चित रूप से हम 400 सीट की बातचीत कर रहे थे और एग्जिट पोल लगभग 400